बादमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया में बनेगी भूमिगत सुरंग। कोटा जिले के मंडाना के नज़दीक उम्मेदपुरा से होकर ताकली रिवर के नज़दीक नया गांव जागीर पर खत्म होगी। 8.3 किलोमीटर लंबी टनल प्रोजेक्ट में 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। टनल में वेंटिलेशन के लिए 200 से ज़्यादा जेट फैन लगेंगे। रोशनी के लिए 3000 से ज़्यादा लाइटें लगेगी। 50 से ज़्यादा CCTV कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग होगी। स्काडा सिस्टम के तहत वाहनों की मॉनिटरिंग होगी। मोबाइल नेटवर्क और FM फ्रिक्वेंसी के लिए बूस्टर लगेंगे। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सेंसर लगेंगे। 9 जगह क्रॉस पैसेज या इंटर कनेक्ट होगी। 4 जगह इमरजेंसी टनल ले बाय टनल बनेगी। 80 इंजीनियरिंग, 100 भारी मशीनें, 500 से ज़्यादा मजदूर इसमें काम करेंगे। टनल का काम शुरू हो चुका है और यह 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रद्युम्न यादव और स्वागत है आप सभी का हमारे कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा में बन रही सुरंग का कितना हो चुका है निर्माण कार्य और कैसे बन रही है यह एटलैंड टनल। वीडियो में आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा हिल्स में बन रही एटलैंड टनल के उत्तरी मुहाने पर टनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि कोटा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में ग्राम उम्मेदपुरा के पास स्थित है। यहां लगभग 5 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यहां ग्राम उम्मेदपुरा के पास से शुरू होकर दक्षिण छोर पर ग्राम नयागांव जागीर के पास ताकली नदी पर जाकर खत्म होगा। यहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह सुरंग बनाई जा रही है और फिर हम चलेंगे टनल के दक्षिणी छोर पर और वहां हम देखेंगे कि दोनों छोर पर क्या क्या है भिन्नताएँ। तो मित्रों, हम आ गए हैं सुरंग के उत्तरी मुहाने पर और आप जो ये टीला देख रहे हैं यह वास्तव में सुरंग से काट कर निकाले जा रहे सैंडस्टोन का मलबा है। यहाँ टनल के पास ही यह स्टोन क्रेशर प्लांट लगाया गया है, जिसमें सुरंग से निकले सभी पत्थरों को लाकर कंक्रीट के रूप में बदल दिया जाएगा, जिससे इन पत्थरों का उपयोग वापस टनल व रोड निर्माण में किया जा सकेगा। इसके लिए इंटरलॉकिंग ब्लॉक और सीसी पैनल आदि बनाने के लिए मशीनें भी यहाँ लगाई जा चुकी है। आइए आगे चलकर देखते हैं कि कैसे बन रही है यह टनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टनल 4-4 लेन के 2 हिस्सों में बनाई जा रही है, जिसमें 4 लेन आने और 4 लेन जाने के लिए है और इसमें दोनों छोर पर दो दो मुहाने खुलेंगे। आप सामने देख सकते हैं टनल के उत्तरी छोर पर निर्माणाधीन दो मुहाने हैं और इसमें यह मुहाना दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने के लिए है और बगल में यह दूसरा मुहाना मुंबई से दिल्ली की ओर जाने के लिए। यह जो हाइड्रोलिक मशीनें आप देख रहे हैं, इन्हीं मशीनों से ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग तकनीक के द्वारा सुरंग में मौजूद सैंडस्टोन को काटकर बाहर निकाला जा रहा है। अभी शायद लंच हो जाने के कारण मशीनें बंद है। और जो है सामने आप मुकुंदरा की पहाड़ी देख रहे हैं, जो कि पूर्णतया सैंडस्टोन से निर्मित है। और जो सुरंग के मुहाने आप देख रहे हैं, यहाँ से अब आगे ड्रिल एंड बिल्ड तकनीक से सुरंग का निर्माण शुरू होगा और यह सुरंग के ऊपरी खुली जगह जो आप देख रहे हैं, इसे भविष्य में पूरी तरह ढक दिया जाएगा। इसकी छत भी ऐसी होगी जिस पर वन्य जीव आसानी से चल सकेंगे। अब हम यहां से चलेंगे सुरंग के दूसरे मुहाने की तरफ, जो कि टनल का दक्षिणी छोर है। इसके लिए हम यहां से 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर NH-52 पर पहुंचेंगे और यहां दरा स्टेशन पहुंचकर यहां लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में NH-52 पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पार करके ग्राम अमजार पहुंचकर यहां से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में चलकर नया गांव जागीर पहुंचेंगे, जहां टनल का काम चल रहा है। इस दौरान हम लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करके टनल के दक्षिणी छोर पर पहुंचेंगे और इस तरह हम पहुंच चुके हैं विलेज नया गांव जागीर। यहां आप सामने जो गांव देख रहे हैं, यही है नया गांव जागीर और यहां चल रहा है देश की पहली एटलैंड टनल बनाने का काम। आइए देखते हैं कि कैसे बन रही है यहां टनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर टनल की खुदाई में अभी सैंडस्टोन की एंट्री भी नहीं हुई है। खुदाई से निकले मलबे के टीले तो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें सैंडस्टोन का नामो निशान भी नहीं है। जबकि टनल के पिछले मुहाने पर हमने देखा कि वहाँ सुरंग की खुदाई में सिर्फ सैंडस्टोन ही निकल रहा है और जिस प्रकार का मलबा यहाँ निकल रहा है, इस प्रकार के मलबे का तो वहाँ पर नामो निशान भी नहीं था। दोनों मुहानों पर यह सबसे बड़ी भौगोलिक भिन्नता है। यहाँ यह जो मलबा निकल रहा है, यह रोड पर बिछाई जाने वाली मोहरम की तरह है और आप यहाँ देख सकते हैं इस मलबे के बने हुए बड़े बड़े टीले हैं और इसी मलबे को रोड बनाने के लिए रोड पर बिछाने के काम लिया जा रहा है। आप यह हाइड्रोलिक मशीनें देख सकते हैं जो यहाँ सुरंग बनाने का काम कर रही है। यही मशीन ठोस सतह को तोड़ने का कार्य कर रही है और यह दूसरी मशीन टूटे हुए मलबे को डंपर में लोडिंग करने का कार्य कर रही है।
और यह मशीन जो आप देख रहे हैं यह रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक ड्रिल मशीन है जो यहाँ मिट्टी पत्थर आदि की जांच करने के लिए गहराई तक ड्रिलिंग करके नमूने कलेक्ट करने का काम कर रही है। और यह सामने मुकुंदरा हिल्स आप देख सकते हैं और इसके ठीक नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ चार चार लेन की दो सुरंगें हैं। अभी जो सुरंग के ऊपर खुला भाग नजर आ रहा है इसे भविष्य में टाइगर रिजर्व की सीमा से 500 मीटर दूर यहां तक पूरी तरह से ढक दिया जाएगा जिससे वन्य जीवों के स्वच्छंद मिश्रण में कोई बाधा न रहे और यहां पर रहेगा सुरंग का प्रवेश द्वार। इस सुरंग की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि इस सुरंग में प्रवेश के समय हमें इसमें जमीनी सतह से नीचे उतरना पड़ेगा और एग्जिट के समय वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ से चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंतिम छोर पर ताकली नदी तक। वहाँ हम देखेंगे कि ताकली नदी पर कैसे बनाया जा रहा है ओवर ब्रिज। इस समय हम चल रहे हैं निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसमें 4 लेन आने के लिए और 4 लेन जाने के लिए है। इसके बीच में जो आप यह जगह देख रहे हैं इसमें भी भविष्य में 4 लेन और बनाकर इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन तक किया जा सकता है। यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर जो मलबा बिछाया जा रहा है यह वही मलबा है जो टनल की खुदाई से निकाला जा रहा है और यह आप देख सकते हैं स्टोन क्रेशर व सीसी पेलन इंटरलॉकिंग ब्लॉक आदि बनाने का प्लांट। यह ठीक वैसा ही स्टोन क्रेशर प्लांट यहाँ लगाया गया है जैसा कि हमने पीछे टनल के उत्तरी छोर पर देखा। इस तरफ से भी जब टनल की खुदाई पहाड़ के अंदर शुरू होगी तो इसमें भी सैंडस्टोन निकलेगा और उसी सैंडस्टोन को कंक्रीट बनाकर उससे सीसी पैनल इंटरलॉकिंग ब्लॉक आदि बनाकर रोड व टनल के निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाएगा। और यह रहा मुकुंदरा हिल्स टनल प्रोजेक्ट का दक्षिणी अंतिम छोर। यह नदी जो आप देख रहे हैं यह है ताकली नदी जो कि मध्य प्रदेश के नजदीक तक्षकेश्वर नामक स्थान पर बने एक प्राकृतिक कुंड से निकलती है और मुकुंदरा हिल्स की सीमा में प्रवेश करने के बाद इसका नाम अमजार नदी हो जाता है और आगे चलकर यह गागरौन दुर्ग के नजदीक यह काली सिंध और आहू नदियों के साथ संगम करती है। यहाँ इस नदी पर एक 8 लेन का पुल बनाया जा रहा है जिस पर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा। आप देख सकते हैं इस ब्रिज के आधार स्तंभ के लिए यहाँ फाउंडेशन बनाकर तैयार है और आगे जाकर इन पर पिलर बनाने का काम किया जाएगा। इस नदी पर यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में ताकली बांध सिंचाई परियोजना का कार्य भी अपने अंतिम चरण में है। इसमें इस नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया जा रहा है जिससे वर्षा जल को एकत्र करके नहर के द्वारा जमीन सिंचित करने में इस पानी का उपयोग किया जाएगा और इसी ताकली बांध के पूर्वी तट से होकर गुजर रहा है विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। आगे कभी इस विषय पर भी एक वीडियो हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ आपको बता दें कि जनवरी 2024 में जब टनल बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इसको पार करेंगे। इसके लिए हम कोटा से पूर्व दिशा में NH-27 पर और NH-52 पर बन रहे इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करेंगे और सुरंग में होकर स्टेट हाईवे 9 इंटरचेंज तक जाकर वापस सुरंग के दूसरे मुहाने से टनल पार करके कोटा इंटरचेंज से एग्जिट करेंगे। इस दौरान हमें लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। इस बीच जैसे जैसे टनल का काम आगे बढ़ता जाएगा इसके अपडेट हम लगातार कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप अभी से कोटा विजिटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इस प्रोजेक्ट से संबंधित वीडियो लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर इस बारे में और जानकारी के वीडियो यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।